नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी विद केब्रोस। आज हम सीखने जा रहे हैं फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी का एक बहुत ही शानदार चैप्टर है एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स के बारे में आज हम एक ट्रिक सिखाएंगे आप लोगों को, जो कि हमने अपने टाइम पे जब हम पढ़ाई करते थे तो हमने इसको बनाई थी, क्योंकि हमें बार बार चीज़ें भूल जाती थी, तो हमने हर चीज़ को ट्रिक से ही याद रखा है, जो कि हमें आज भी हमारे थ्योरी से लेके हमारे रिटन से लेकर के हमारे ऑप्शनल एग्जाम्स तक में काम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने है एक टेबल जिसके एक तरफ है सारी ड्रग सारी कैटेगरीज, दूसरी तरफ है एक स्टोरी जो कि हमें बताती है कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा प्लांट लाई करता है, यानी कि कौन सी कैटेगरी से कौन सा प्लांट बिलोंग करता है। तो धीरे धीरे करके एक एक करके हम हर एक प्लांट को हर एक कैटेगरी से जोड़ देंगे अपने ट्रिक की मदद से। तो चलिए, पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि एग्जांपल्स क्या है और उनकी कैटेगरीज क्या हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, पाइरिडीन एंड पाइपेरिडीन में आते हैं टोबैको, एरिकानेट, लोबेलिया। ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में आते हैं बेलाडोना, डिबोसिया, स्टमोनियम, धतूरा, हायोसियमस, कोका। क्यूनोलिन में आते हैं कैंपोथिका एंड सिंकोना। आइसोक्यूनोलिन में आते हैं ओपियम, इपेकैक एंड क्यूरारे। एंड फिर नोल एल्कोलाइड्स में आते हैं विनका, एरगोट, राउल्फिया एंड नक्स वोमिका। फिर आते हैं इमिडाजोल, इमिडाजोल में आते हैं सिर्फ एक पिलोकार्पिन। और उसके आगे आते हैं स्टीरोइडल एल्कोलाइड्स, स्टीरोइडल में तीन आते हैं कुर्ची, अश्वगंधा एंड वेराथ्रम। उसके बाद एल्कोलॉइडल अमीन्स, एल्कोलॉइडल अमीन्स में हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, कोल्चिकम एंड इफेड्रा। फिर आते हैं प्यूरीन एंड प्यूरीन एल्कोलॉइड्स, इसमें आती हैं टी, कॉफ़ी, कोका एंड कोला। फिर आते हैं ग्लाइको एल्कोलाइड्स, सोलेनम एंड क्यूनोजोलिन में हमारे पास एक ही है वसाका, टर्पिनॉइड्स में एकोनाइट एंड पायराजोलिन में पेपर। ओके, तो हमने एक एक करके सबके एग्जांपल्स देख लिए हैं। अब हम इनको कैसे याद रखेंगे ये बहुत ज़रूरी है, और इनसे हर बार क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो जीपैट हो, नेट हो, कोई भी। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, मास्टर्स इन एमफार्म, बीफार्म, इनके लिए ये चीज़ पढ़ना बीफार्म के लिए थ्योरी के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप जीपैट में अपीयर करते हैं तो इनमें से ज़्यादातर टाइम देखा गया है कि एक न एक सवाल पूछ लिया जाता है, और बाकी चैप्टर को याद रखने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। पीपी यानी कि प्रताप प्रजापति नाम का एक राजस्थानी व्यक्ति था, जो कि बहुत टॉल था, यानी कि बहुत ही लंबा था। ऐसा लंबा व्यक्ति देखिए कि एक टेबल से भी हमारे ऊपर निकल गया है, ठीक है। तो प्रताप प्रजापति नाम का एक बहुत ही लंबा व्यक्ति था, तो पीपी टॉल, ओके। इसने ट्राई किया BDS करना, BDS यानी कि डेंटिस्ट बनने का कोशिश किया DHC कॉलेज से। एक कॉलेज है जिसका नाम क्या है, DHC। तो DHC कॉलेज से इसने ट्राई किया BDS करने का, और BDS करते करते ही इनके कॉलेज का एक बार कैंपिंग हुई, यानी कि सब लोग कैंप में गए। कैंप में किसी ने इनसे बातें नहीं करी, तो कैंप का नाम था नोलिन। अब नोलिन कैंप में किसी ने इनसे बात नहीं की, और उस कैंप में इनको क्या मिला, कोना मिला भाई। मतलब कि किसी ने इनसे बातें नहीं करी, इनको कॉर्नर कर दिया। इनको क्या कर दिया, कॉर्नर कर दिया, ठीक है। तो कॉर्नर करने के बाद इनसे जब किसी ने बातें नहीं करी तो ये बहुत सैड हो गए, ठीक है। जब ये बहुत सैड हो गए तो बहुत सैड होने के बाद क्या किया, इसका सोल्यूशन क्या मिला, ओपियम। इन्होंने गलत चीज़ें पकड़ ली, क्योंकि उस जगह पे इनको एक नई फ्रेंड मिली थी, और फिर उस नई फ्रेंड ने भी वहाँ इनसे बातें नहीं करी, तो इन्होंने उसकी याद में गलत चीज़ें पकड़ ली, मतलब ओपियम पकड़ लिया, और ओपियम ही इस सिचुएशन का इन्हें क्योर लगा, यानी कि ओपियम इस पे क्योर मिला। इस पे इन्हें कौन सा क्योर मिला, ओपियम इस पे क्योर मिला, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अभी इन्हें फाइनली सही होना है, अभी ये सब चीज़ें छोड़ देंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वापस से इन्होंने इंडिया आने की ठान ली, है ना। इन्होंने क्या ठान लिया, वापस से ये कहाँ आएंगे, इंडिया आएंगे, ठीक है।
तो इंडिया आने की जब ठान ली तो इन्होंने इंडिया आते ही सबसे पहले क्या किया, एक कार खरीदी। फिर ये इंडिया आए और एक वरना खरीदी। वरना कार बहुत ही एक्सपेंसिव कार है और हमें लगता है आप सभी को पसंद भी होगी। तो वरना कार खरीदी और वरना कार खरीद के फिर ये जब घर आए तो इन्होंने सबसे पहले अपनी अम्मी को बताया। किसको बताया? अम्मी को बताया। तो अम्मी ने पूछा, अरे भाई कौन से कलर की कार है, यानी किस रंग की खरीदी ये तो बताओ। तो क्योंकि ये राजस्थानी थे, ये पीला नहीं बोल सकते, इन्होंने कहा कि अम्मा पीलो कलर की कार है। किस कलर की कार है? पीलो कलर की, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं। किस कलर की कार है? पीली कलर की कार है, ठीक है। और इस पर लिखा भी है, देखिए कितना बढ़िया, वरना। ओके, फिर इन्होंने उस कार की स्टेयरिंग पकड़ी और फुर्र हो गए, यानी कि कौवे की रफ्तार से, देखिए स्टेयरिंग पकड़ लिया है और कौवे की रफ्तार से उड़ गए, यानी कि बहुत ही तेज गति में यहाँ से निकल गए। और किसी भी कौवा होता तो उसके मुँह से क्या निकलता? काव, क्योंकि ये कौवे की तरह उड़ गए, ठीक है। इन्होंने स्टेयरिंग पकड़ी और कौवे की तरह उड़ गए, और कोई भी कौवा होता तो उसके मुंह से निकल ही जाता भाई, क्या? काव, ठीक है। अब क्योंकि कौवा क्या करता है? काव काव करता है, ठीक है। अच्छा, अब इनकी एक और इनकी बड़ी माँ थी, उनको ये अलका अम्मी कहते थे। क्या कहते थे? अलका अम्मी। तो अलका अम्मी को पता चला, अलका अम्मी बहुत खुश हो गई, है ना। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को फ़ोन लगवाया। बेटे का नाम था इफेड्रा, ठीक है, इफेड्रा नाम था, है ना। तो इफेड्रा को बोला कि पूरी सब्जी, चाय, कॉफ़ी, कोला, कोका, सब कुछ लेके आओ, यानी कि सब चीज़ का इंतज़ाम करो। तो ये देखिए यहाँ पे हैं हमारी कौन, ये हैं अलका अम्मी, यानी कि ये कौन है? अलका अम्मी, ये बूढ़ी औरत, ठीक है। अब अलका अम्मी ने क्या किया, बोला अब ये है कौन है, ये हमारा इफेड्रा, ये इफेड्रा इनका बेटा है, है ना। इफेड्रा को क्या किया? कॉल किया था, ठीक है। इनके पास देखिए ये मोबाइल भी है, तो इससे क्या किया? कॉल किया। और इस कॉल करने के बाद इन्होंने क्या कहा कि भाई पूरी सब्जी, टी, कॉफ़ी, पूरी की पूरी चीज़ें ले आओ। तो पूरी चीज़ें का इंतज़ाम इफेड्रा ने करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर इनकी जो तीसरी माँ है यहाँ पे, ठीक है, इनका नाम है ग्लाइको, ठीक है, इनका नाम है ग्लाइको अम्मा। अब ग्लाइको अम्मा थोड़ी जलनशील हैं, ये थोड़ा सा इनसे ईर्ष्या करती हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इनके आने पर ग्लाइको अम्मा ने पूछा, बेटे कितने दिन तक रहोगे, कितने दिन तक ठहरोगे? तो इस ठहरने को इन्होंने क्या जवाब दिया, इन्होंने जवाब दिया 16 दिन तक, यानी कि 16 डेज तक का मेरा प्लान है, ठीक है। और इनके साथ ही कौन आई थी, इनकी राजकुमारी भी आई थी, यानी कि इनकी क्वीन, देखिए क्वीन है, क्वीन के सर पे क्या है, आप लोग देखिए इसको, बताइए इस क्वीन अपने सर पे क्या पहनती है, ओके। और उनके साथ उनकी रानी यानी कि उनकी क्वीन भी आई थी, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था वसाका। और क्योंकि वहाँ पहली बार ये लोग आए थे तो इनकी क्वीन क्या थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी। तो इन्होंने को डर लगा कि कहीं इनके क्वीन को कोई कुछ गलत ना कर दे, कोई कुछ हार्म ना पहुंचा दे, जिसके लिए इन्होंने उनको रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया दूसरी जगह पे, यानी कि उनको रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया दूसरी जगह पे, ठीक है। तो अब फिर क्या हुआ, जब उन्होंने देखिए रात का समय है, रात को मून है यहाँ पे, तो रातों रात इनको इस हॉर्स पे बैठा के कहाँ पे, दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया, इस लिए ताकि ये सेफ़ रहें और हमेशा इनके साथ रहें पूरे जीवन भर, ठीक है। फिर इनको लगा कि ऐसा करने पर क्वीन को इनसे और ज़्यादा प्यार हो जाएगा, इनसे और ज़्यादा लगाव हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्वीन के मन में कुछ और था और क्वीन ने यानी रानी ने क्या किया, इनके आँखों पर पेपर मार दिया। पेपर स्प्रे आप समझते हैं, जिसमें क्या होता है, इनको आँखें पे पहुँचने में बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो क्वीन ने क्या कर दिया, इनके आँखों पर पेपर मार गया और वहाँ से भाग गई, यानी कि वहाँ से 9-2-11 हो गई। 9-2-11 का मतलब आप समझते हैं कि यहाँ से निकल गई, यानी कि तुरंत ही वहाँ से भाग ली उन्होंने। तो स्टोरी में जो पीपी हैं, यानी कि प्रताप प्रजापति जो हैं, ये हैं पायरीडीन एंड पाइपेरीडीन। तो पायरीडीन एंड पाइपेरीडीन से हम याद रखेंगे पीपी, एंड टॉल से हम याद रखेंगे टोबैको
एरिका नट एंड लोबेलिया, टोबैको एरिका नट एंड लोबेलिया, ठीक है। फिर ट्राइड, ट्राइड का मतलब क्या है, ट्राइड का मतलब है ट्रोपेन, ठीक है, ट्राइड का मतलब है ट्रोपेन। बीडीएस, बीडीएस का क्या मतलब है, बी से बेलाडोना, डी से डिबोसिया, एस से स्ट्रमोनियम, एंड कौन से कॉलेज से कोशिश करी थी, डी एच सी यानी कि धतूरा, हायोसीएमएस एंड कोका, ठीक है। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, इन सभी की फैमिली सेम होती है, इन सभी की फैमिली सेम होती है एक्सेप्ट कोका। तो इन सभी की फैमिली कौन सी होती है, सोलेनेसी, कौन सी होती है, सोलेनेसी, ठीक है, ओके। अब सो नोलिन कैंप, नोलिन कैंप में कोना मिला, कौन से कैंप में, नोलिन, तो इससे क्या हो जाएगा, क्यूनोलिन, इससे क्या हो जाएगा, क्यूनोलिन। और क्यूनोलिन में कौन थे, कैंप एंड कोना, कैंप मतलब कैंपोथिका हो गया एंड कोना मीन्स शिंकोना हो गया, कैंप मीन्स कैंपोथिका एंड कोना मीन्स शिंकोना। अब सो, सो मतलब आइसो क्यूनोलिन, क्यूनोलिन तो पढ़ चुके, सो मतलब आइसो क्यूनोलिन, जिस पे क्या मिला था, ओपियम इस पे क्योर मिला, यानी कि ओपियम इस पे से इपेकैक, क्योर मानी क्यूरारे, क्यूरारे डी टीबो क्यूरारिन, ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि फिर इन्होंने क्या किया, जब ओपियम से भी इनका नहीं लगा कि कुछ नहीं सही हो पाएगा, तो ये क्या आ गए, इंडिया आ गए वापस। तो जब भारत वापस आए हमारे इस ग्रेट नेशन में, तो इन्होंने कौन सी गाड़ी खरीदी, वरना खरीदी, वी ई आर एन ए, ए को आप भूल जाइए, ए को भूल जाइए और वी ई आर इन याद रखिए, वी से विनका, ई से एयरगॉट, आर से राउल्फिया एंड एन से नक्स वोमिका, ठीक है। साथ ही साथ आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि क्या आपको इनके सिनोनिम्स के भी ट्रिक चाहिए, क्योंकि वो भी ट्रिक हमने बनाई थी बट हमें लगा नहीं कि आपको ज़रूरत होगी, इसलिए हमने इसमें आप बताया नहीं है। खैर, अगर आपको ज़रूरत हो, डू कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल ट्राई कि हम उस पे नेक्स्ट वीडियो बनाएं, ओके। सो फिर उसके बाद इंडिया आए, इंडिया में इन्होंने क्या खरीदी, वरना, एंड वरना पे ये हो गया वी ई आर एन यानी कि विनका एरगोट रावुल्फिया एंड नक्स वोमिका, ठीक है। अब इमिडाजोल एल्कोलाइड्स, इम्मी ने जब पूछा यानी अम्मी ने जब पूछा कि भाई कौन से कलर की कार है, तो आप इतनी चमचमाती कार देख के बता सकते हैं किस कलर कार थी, पीलो कार थी, यानी कि पीलो कार्पिन, ठीक है, कौन सी कार्पिन, पीलो कार्पिन, ठीक है। फिर इन्होंने स्टेयरिंग पकड़ी और वहाँ से क्रो की तरह उड़ गए और मुंह से क्या निकला, काओ, तो स्टेयरिंग से हो जाएगा स्टीरोइडल, ठीक है, स्टेयरिंग से हो जाएगा स्टीरोइडल एल्कोलाइड्स, और काओ के ए वी, काओ, काव से कुर्ची, अश्वगंधा एंड वेरात्रम, ठीक है, कुर्ची, अश्वगंधा एंड वेरात्रम, काव से हो जाएगा। और साथ ही साथ इनको ये भी याद रखिए कि इनकी फैमिली भी आप काव ए एस एल से याद रख सकते हैं, काव ए एस एल, काव कुर्ची का हो जाएगा एपोसाइनेसी, ए यानी कि अश्वगंधा का हो जाएगा सोलेनेसी एंड वेरात्रम का हो जाएगा लिलियेसी, ठीक है। मन करे तो याद रखिए, नहीं तो आप अपने से खुद से याद रख सकते हैं। तो हमने काव पढ़ लिया, स्टेयरिंग पकड़ी और मुंह से निकला काव, ओके। फिर आती हैं एल्कोलाइडल अमीन, अल्का अमीन सुन के क्या हो गई, बहुत खुश हो गई थी, बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, और खुश होने पे उनको, उन्होंने फ़ोन किया, किसको फ़ोन किया, देखिए अल्का अमीन इतने प्यार से फ़ोन किया इफेड्रा को, कि भैया इफेड्रा को कॉल किया, तो इफेड्रा यानी कि, इफेड्रा तो इफेड्रा ही है, कॉल यानी कि कोलचिकम, कॉल यानी कि कोलचिकम, तो कोलचिकम कॉल इफेड्रा, ठीक है। इफेड्रा के बारे में एक बात है जो कि हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, ठीक है, ओके। सो अलका अमीन ने फ़ोन किया और कॉल इफेड्रा, है ना, और उन्होंने क्या बोला कि भाई पूरी की पूरी, पूरी की पूरी, पूरी और सब्जी, चाय, कॉफ़ी, कोका, सब का इंतज़ाम करो, ठीक है। तो पूरी का मतलब हो जाएगा प्यूरिन एल्कोलाइड्स, और टी, कॉफ़ी, कोका कोला, ये सारी चीज़ तो आप जानते ही हैं, यहाँ पे मेंशन भी है कि भाई स्टारबक्स काफ़ी लोग जाते हैं, काफ़ी लोग नहीं जाते हैं, भाई मैं तो बिल्कुल नहीं जाता, ये हो गया कोला, ये हो गया टी, और ये तो आप मत ही देखो, ठीक है। और यहाँ पे फिर उसके बाद ग्लाइको अम्मा, जैसे एल्कोलाइडल अम्मा बहुत खुश थी, ग्लाइको एल्कोलाइड ये क्या थी, थोड़ी सैड थी कि भाई ये क्यों आए हैं यहाँ पे इतने दिनों बाद। तो इनके आने पर ग्लाइको अम्मा ने पूछा कितने दिन तक रहना है, जिन्होंने कहा 16 दिन, जिन्होंने 16 दिन बताया, तो यानी 16 मतलब सोलेनम। आप इस कैटेगरी में देखेंगे तो हर चीज़ 16 से ही रिलेटेड है, इनकी कैटेगरी है सोलेनम, और ये आते भी हैं सोलेसरडीन, इनके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, है ना।
तो हर चीज़ 16 से रिलेटेड है, ठीक है। आप फिर इनकी जो क्वीन थी, इन्होंने क्वीन के लिए ये कुछ ज़्यादा ही पॉजेसिव हो गए और क्वीन को वहाँ से नहीं, तो क्वीन जो थी है ना, और उनके साथ उनकी रानी भी थी, तो क्वीन से हम याद रखेंगे क्वीन, क्वीन से हम याद रखेंगे, क्वीन से हम क्या याद रखेंगे, क्वीना जोलिन, ठीक है। और उनका नाम क्या था, वसाका, ठीक है, ये याद रखेंगे। वसाका वैसे किस काम में आता है आप ये भी जान लीजिए, क्योंकि इस बार के जी पैट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई वसाका किस काम में आते हैं, और इनकी पूरी कैटेगरी एक्चुअली क्वेश्चन में थी, ठीक है, तो आप ये भी बता सकते हैं। खैर, इसका आंसर लिंक में रहेगा डिस्क्रिप्शन में। टर्पिनॉइड्स, अब इन्होंने क्या किया, उनको रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि उनके लिए क्या हो गए थे, कुछ ज़्यादा ही ये पोजेसिव हो गए कि भाई इतनी सुंदर हैं, कहीं इनको कोई कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। तो नुकसान ना पहुंचे इसके लिए इनको नाइट में यानी कि रातों रात ही इनको क्या कर दिया था, ट्रांसफ़र कर दिया था। तो ट्रांसफ़र से हम याद रखेंगे टर्पेनॉइड, और नाइट से याद रखेंगे एकोनाइट, ठीक है। तो नेक्स्ट है पाइराजोलिन। अब लास्ट में जब इनको लगा कि भाई ऐसा करने से इनको तो और ज़्यादा क्या हो जाना चाहिए, हमसे लगाव हो जाना चाहिए, प्यार हो जाना चाहिए, प्रेम हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ, रानी ने वहाँ पे पेपर मार के खुद भाग ली वहाँ से, ठीक है। तो प्यार से याद रखेंगे पाइराजोलिन, एंड पेपर तो पेपर है ही है भाई, पेपर को क्या ही याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये थी पूरी कहानी, ये थी पूरी ट्रिक। इससे हमें लगता है कि एक बार अगर आप एक से दो बार ये वीडियो देख लेंगे तो फिर आपको इस चीज़ को दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको आसानी से याद रख पाएंगे। साथ ही साथ एक और छोटी सी कहानी है इससे ही रिलेटेड कि एकोनाइट की फैमिली आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि एक बार मेरा एक लड़के से लड़ाई हो गया था जिसका नाम था रानू, और वो लड़ाई कब हुई थी, रात को। तो रात को क्या हुआ था, रानू, रानी की रैनन कुलेसी इसकी फैमिली है, ठीक है, रैनन कुलेसी, ठीक है। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अपने अगले एक ट्रिक के साथ। इसके लास्ट में हम एक चीज़ बता दें जो हमने बोला था कि भाई इफेड्रा के बारे में एक चीज़ बताएंगे, तो कॉल इफेड्रा से हम एक चीज़ बताने जा रहे हैं कि भाई इफेड्रा को जब कॉल किया गया तो कॉल इफेड्रा यानी कि जब इफेड्रा को कॉल किया गया तो इफेड्रा कॉल लिली को गया, और बाद में ये पता चला कि भाई लिली क्या है, लिली तो जेंट्स है। तो कॉल गई थी लिली को, और इफेड्रा इसलिए शौक में था क्योंकि लिली क्या थी, जेंट्स थी, ठीक है। तो ये एक छोटी ट्रिक थी जिससे आप याद कर सकते हैं कि भाई इनकी फैमिली क्या है। तो कॉल यानी कि कॉल्चिकम की फैमिली क्या है, लिलिएसी, कॉल्चिकम की फैमिली क्या है, लिलिएसी, और इफेड्रा की फैमिली क्या है, जेंसिएसी। वैसे ये सी ट्रिक सिर्फ याद करने के लिए ही बनाई गई थी, इसको रियल वर्ल्ड में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल एवरीबॉडी, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डू कॉमेंट्स कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, एंड मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।